हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट मैक्रून्स। कोकोनट मैक्रून्स ये एक टाइप का बिस्किट ही है। तो आइए, कोकोनट मैक्रून्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। ये एक कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये 3/4 कप हमने पाउडर शुगर ली है, 1/2 कप हमें एग वाइट लगेगा और थोड़ा सा हमें वैनिला एसेंस लगेगा। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही जल्दी बनने वाला बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं कोकोनट मैक्रून्स। आइए फ्रेंड्स, ये हमने गैस का फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम ये डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इसके साथ ही हम ये पाउडर शुगर डालेंगे। और ये एग व्हाइट डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और एकदम कम आंच पे इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। जब तक कि हमारी शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। ये इसमें हम थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालेंगे। वैनिला एसेंस हमें बहुत ही कम डालना है। ये मैंने 1/8 टीस्पून वैनिला एसेंस डाला है। ये हमारा मिक्सचर भून चुका है। ये अभी कढ़ाई को छोड़ रहा है, हमने इसे 5 मिनट के लिए भूना है। तो आइए गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर अभी ठंडा हो चुका है। हमने ट्रे में बटर पेपर डाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी मैक्रून्स को हमने हाथ से ऐसे राउंड शेप में ये करके इसके ऊपर डाला है। तो अभी हम इसे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे ओवन में रखेंगे। मैंने ओवन 10 मिनट के लिए प्री हीट करके लिया है। अभी हम ये मैक्रून्स इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रून्स अभी बन चुके हैं। इन्हें हम अभी ठंडा होने देते हैं और फिर निकाल लेते हैं। ये मैक्रून को ये कलर तक आने में मेरे ओवन में 25 मिनट का समय लगा है, पर हर एक ओवन का अपना टाइमिंग होता है। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान रखिए। जब आप इसे ओवन में लगाएंगे तो उसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही उसे बेक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रून्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये हमारे मैक्रून बहुत ही अच्छे बने हैं। इनका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।